गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 6 का रिवीजन करेंगे। ये वर्कशीट आपकी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है। तो हिंदी व्याकरण से रिलेटेड में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाइए। तारा तारे, सड़क सड़कें। जब सड़कें लिखेंगे तो क पे हमको बिंदी लगाना है। बहन बहने, केला केले। फिर से सुनिए, तारा तारे, सड़क सड़कें, बहन बहने, केला केले। फिर पर्यायवाची शब्द लिखिए। बेटा पर्यायवाची आपको दो दो शब्द लिखने हैं, आकाश नभ आसमान। अपनी मर्जी से आप दूसरा भी बुक में से याद कर सकते हैं। सूर्य सूरज रवि, और रवि में छोटी ई की मात्रा आएगी। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलिए। बेटा बेटी, नौकर नौकरानी, शेर शेरनी, मामा मामी। फिर से देखिए, बेटा बेटी, नौकर नौकरानी, शेर शेरनी, मामा मामी। फिर है विलोम शब्द लिखिए। रात का दिन, सुख दुख, सत्य असत्य, शत्रु मित्र। फिर से देखिए, रात रातें, सुख दुख, सत्य असत्य, शत्रु का मित्र। इसके बाद मेरा प्रिय मित्र विषय पर अनुच्छेद लिखिए। ये आपको अनुच्छेद की 4 या 5 लाइन, कम से कम 5 लाइन आपको याद करनी है। एग्ज़ाम में आपको 4 भी आ सकती हैं और 5 भी आ सकती हैं। तो इसको मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगी, क्योंकि ये आपके व्याकरण की बुक में दिया हुआ है और मैंने आपको सबको बता रखा है कि व्याकरण की बुक में से आपको मेरा प्रिय मित्र करना है। और ये जो निबंध है ये आपका पेज नंबर 86 पे है, व्याकरण की बुक में पेज नंबर 86 पे। इसमें से आप ये पूरा निबंध आप देखिए, इसमें से आप कोई से भी 4 या 5 जो सेंटेंस आपको इजी लगते हैं या आपको लगता है कि आपको लिखने में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे आप, तो आप वो 5 सेंटेंस इसमें से लिख सकते हैं। सिद्धांत नाम अगर आपको कठिन लगता है तो आप अपने प्रिय मित्र का नाम लिखेंगे जो आपका प्रिय मित्र है। तो समझ में आया बच्चों, आपको वर्कशीट नंबर 6 सॉल्व करनी है। अब वर्कशीट नंबर 7, इसमें लिखा है नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए एक शब्द में। यहाँ आपको क्या लिखा है, एक शब्द में। अब देखो आपको क्या करना है, इस गद्यांश को पहले बहुत अच्छे से पढ़ना है। पेपर में भी जब आएगा तब आप जल्दबाजी नहीं करेंगे और उस गद्यांश को पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर का शरीर भारी होता है और गर्दन लंबी होती है, इसके पंख बहुत लंबे और सुंदर होते हैं, मोर के सिर पर एक कलगी होती है, वर्षा ऋतु में यह खुश होकर नाचने लगता है, सांप से इसकी दुश्मनी होती है, मोर एक उपयोगी पक्षी है, इसकी सुंदरता सबको आकर्षित करती है। तो बेटा आप इसको पहले अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए, हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर हमको यहीं मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, यहीं। अब देखिए यहाँ लिखा है मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, चूँकि हमको आंसर एक शब्द में लिखना है तो आपको ये लाइन पूरी नहीं लिखनी है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है, मोर। मोर की गर्दन कैसी होती है, अब देखो यहाँ लिखिए मोर का शरीर भारी होता है और गर्दन लंबी होती है, तो आपको सिर्फ आंसर क्या लिखना है, लंबी। फिर मोर के सिर पर क्या होता है, अब देखो मोर के सिर पर लाइन ये लिखी है, मोर के सिर पर एक कलगी होती है, तो आपको इसका आंसर सिर्फ ये लिखना है, कलगी। फिर मोर की किससे दुश्मनी होती है, ये लिखा हुआ है इसका आंसर, सांप से इसकी दुश्मनी होती है, तो आपको सिर्फ सांप लिखना है। फिर दुश्मनी का विलोम शब्द होता है, अब देखो बेटा यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये आंसर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा।
मैंने यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले देखिए कि क्या करना है, विलोम शब्द। अब दुश्मनी का विलोम शब्द मित्रता होता है या सुंदरता होता है? मित्रता है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के अपठित गद्यांश को करेंगे। अपठित गद्यांश को करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, पहले उसको दो बार पढ़िए, फिर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसका आंसर बहुत जल्दी मिल जाता है। अगर आपने दो बार गद्यांश पढ़ लिया तो आपको आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा और आपको आंसर लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो बेटा आज हमारी वर्कशीट नंबर 1 से लेकर वर्कशीट नंबर 7 कंप्लीट हो गई। आपको अच्छे से इनका रिवीजन करना है, घर पे आंसर्स लर्न करके लिखने की प्रैक्टिस करना है। जिन बच्चों के पास घर पे वर्कशीट नहीं पहुंची हैं, मैंने आज सारे बच्चों को पूरी वर्कशीट इस वीडियो में दिखा दी हैं। आप वीडियो में से अपनी कॉपी में नोट करके वर्कशीट को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अगर और भी आपको कोई परेशानी आती है, किसी क्वेश्चन में आपको परेशानी आती है, तो जब हमारी कल रेमेडियल क्लास होगी आप उसमें पूछ सकते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो फ्राइडे की आपकी रेमेडियल क्लास होगी उसका टाइम थोड़ा चेंज रहेगा, उसका टाइम रहेगा शाम को 4 से 5 फ्राइडे वाली। ये जो परसों वाली आपकी क्लास रहेगी इसका टाइम 10:30 ना होके शाम को 4 से 5 रहेगा। मैं मीटिंग शेड्यूल डालूंगी, आप ध्यान रखेंगे, पेरेंट्स प्लीज़ इस बात का ध्यान रखेंगे कि फ्राइडे वाली क्लास इनकी 4 से 5 बजे होगी। धन्यवाद।